सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इस फ्राइडे यानी कि 9 फरवरी को आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म पे क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, कौन कौन सी नई मूवीज और वेब सीरीज रिलीज होने वाली है इस फ्राइडे, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो जानने के लिए प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, और अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। इस फ्राइडे यानी कि 9 फरवरी को रिलीज होने वाली यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक वेब सीरीज है जिसका नाम है आर्या। इसका सीजन 3 आपको देखने को मिल जाएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर 9 फरवरी से। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हमारे पास एक सीरीज है, इसका नाम है एक किलिंग पैराडॉक्स। इसका सीजन 1 आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर 9 फरवरी से देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक और मूवी जिसका नाम है एशेस। ये मूवी आपको देखने को मिलेगी नेटफ्लिक्स के ऊपर 9 फरवरी से। नेक्स्ट हमारे पास एक और मूवी है जिसका नाम है ला लूना। ये मूवी भी आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर ही देखने को मिलेगी 9 फरवरी से। नेक्स्ट हमारे पास एक सीरीज है जिसका नाम है लव स्टॉल्कर किलर। इसका सीजन 1 आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर 9 फरवरी से देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास एक मूवी जिसका नाम है अपग्रेडेड। ये मूवी आपको प्राइम वीडियोस के ऊपर देखने को मिलने वाली है 9 फरवरी को। नेक्स्ट हमारे पास एक हिंदी मूवी जिसका नाम है भक्षक। ये मूवी डायरेक्ट नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज होने के लिए जा रही है। इसमें आपको काफी बड़ी बड़ी स्टारकास्ट देखने को मिलेगी, और ये मूवी भी 9 फरवरी को नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट हमारे पास एक हिंदी मूवी जिसका नाम है खिचड़ी 2। काफी दिनों से इस मूवी का भी वेट कर रहे थे लोग ओटीटी पे आने का, अब फाइनली आने वाली है 9 फरवरी को, और ये मूवी भी आप G5 के ऊपर देख सकते हो 9 फरवरी से। नेक्स्ट हमारे पास एक साउथ इंडियन मूवी जिसका नाम है कैप्टन मिलर। ये मूवी भी अब फाइनली रिलीज होने के लिए जा रही है प्राइम वीडियोस के ऊपर 9 फरवरी को, लेकिन सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडियन लैंग्वेज में ही आप इसको एंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास एक हॉलीवुड मूवी जिसका नाम है पपी लव। ये मूवी आपको लायंसगेट प्ले की ऑलरेडी प्लेटफॉर्म के ऊपर 9 फरवरी से देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट हमारे पास एक हॉलीवुड मूवी एनिमेटेड मूवी है जिसका नाम है माइग्रेशन। ये मूवी आपको बुक माई शो के ऑलरेडी प्लेटफॉर्म के ऊपर VOD यानी कि रेंट के ऊपर आप इस मूवी को देख सकते हो 9 फरवरी से। नेक्स्ट हमारे पास एक हिंदी मूवी जिसका नाम है लेट्रानी। ये मूवी भी रिलीज होने के लिए जा रही है G5 के ऑलरेडी प्लेटफॉर्म के ऊपर 9 फरवरी से। नेक्स्ट हमारे पास एक साउथ इंडियन मूवी जिसका नाम है गुंटूर करम। इसमें आपको मेन लीड में महेश बाबू देखने को मिलने वाले हैं, और ये मूवी भी साउथ इंडियन लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज में भी सरप्राइज रिलीज होने के लिए जा रही है नेटफ्लिक्स के ऊपर 9 फरवरी से। नेक्स्ट हमारे पास एक सीरीज जिसका नाम है क्रश्ड। इसका सीजन 4 आपको देखने को मिलेगा मिनी टीवी के ऊपर 9 फरवरी से। नेक्स्ट हमारे पास एक सीरीज जिसका नाम है द एम्पायर। इसका सीजन 1 आपको देखने को मिल जाएगा प्लेफ्लिक्स के ऑलरेडी प्लेटफॉर्म के ऊपर 9 फरवरी से। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हमारे पास एक साउथ इंडियन मूवी की अपडेट जिसका नाम है अयालन। ये मूवी भी आपको 9 फरवरी को सन नेक्स्ट के ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, लेकिन अभी तक फिलहाल ये मूवी सिर्फ और सिर्फ आपको साउथ इंडियन लैंग्वेज में देखने को मिलेगी, और उसके बाद ये मूवी आपको हिंदी में नेक्स्ट मंथ प्राइम वीडियोस के ऊपर 15 मार्च को देखने को मिलने वाली है। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इस फ्राइडे आपको थिएटर्स में क्या कुछ देखने को मिलेगा। सबसे पहले एक हिंदी मूवी है जिसके नाम है तेरी बातों में ऐसा उलझाल जिया। इसमें आपको मेन लीड में कृति सैनन और शाहिद कपूर देखने को मिल जाएंगे। ये मूवी थिएटर्स में 9 फरवरी को रिलीज होने वाली है। नेक्स्ट हमारे पास एक साउथ इंडियन मूवी है जिसका नाम है लाल सलाम। इसमें आपको मेन लीड में रजनीकांत देखने को मिल जाएंगे, और ये मूवी भी 9 फरवरी को ही थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। नेक्स्ट एक और साउथ इंडियन मूवी है जिसका नाम है ईगल। इसमें आपको मेन लीड में रवि तेजा देखने को मिलने वाले हैं, और ये मूवी भी आपको 9 फरवरी को ही देखने को मिलेगी थिएटर्स में। तो यही थी इस फ्राइडे यानी कि 9 फरवरी को रिलीज होने वाली कुछ नई मूवीज और वेब सीरीज और कुछ थिएटर्स में रिलीज होने वाली मूवीज की फुल टू फुल लिस्ट। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं ऐसी एक न्यू ओटीटी अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।